हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रून चैनल डेली स्टॉक्स। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले रूट मोबाइल कंपनी के। यहाँ पर मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो उस रिजल्ट्स के आने के बाद आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी के हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी के जो रेवेन्यूज आए हैं मार्केट में, डेट इज वो रेवेन्यू यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर 15% बढ़कर हो चुके हैं 435 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी यहाँ पर 23% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर हो चुके हैं 42 करोड़ रुपीज़। सो ऑन एन क्वार्टरली बेसिस कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छे और काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिले, जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कि शेयर के अंदर जिस तरह से अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। रेवेन्यू ऑन द अदर साइड ईयर ऑन ईयर बेसिस के सबसे 24% यहाँ पर बढ़कर हो 435 करोड़ रुपीज। एज वेल एज जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है वो भी यहां पर 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बढ़कर हो चुके हैं 42 करोड़ रुपीज। सो ओवरऑल बेसिस पर अगर हम यहां पर देखने जाए तो कंपनी जो रिजल्ट आए रूट मोबाइल कंपनी के वो काफी अच्छे और काफी पॉजिटिव यहां पर हमें देखने को मिले हैं। कंपनी डेटा की अगर मैं यहां पर बात करूं तो मार्केट कैप निकल कर आता है इस कंपनी का 13,195.41 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज और बीटा है इसका 0.64, जो कि आपको बताता है कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.64% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मैं इस शेयर को उसके इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से कंपेयर करूं जो कि निकल कर आता है 54.76, तो इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी महंगा, दैट इज 751.98 का बहुत ही महंगे प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो है करंटली यहाँ पर आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि मोस्टली बहुत ही ज़्यादा है। और उसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं कंपनी का प्राइस टू बुक तो वो भी निकल कर आता है, दैट इज 38.26 का प्राइस टू बुक, और बुक वैल्यू शेयर की 59.56 रुपीज। सो काफ़ी ओवर वैल्यूड शेयर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, बट फिर भी ऑल अनफॉर्चुनेट यहाँ पर कंपनी के जो क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से भी अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी जो रिजल्ट्स हैं 2018, 2019, 2020, 2021 के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से यहाँ पर जो कंपनी का परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जो कि हमें जो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग एज वेल एज जो प्राइस टू बुक है उसको यहाँ पर कंपनसेट करते हुए देखने को मिल रहा है। अब मार्केट प्राइस की बात करूँ तो आज भी बहुत ही अच्छा सा कंपनी के रिजल्ट थे तो उसके कारण बहुत ही अच्छी खासी क्लोजिंग इसने जरूर दी, डेट इज 2,264 रुपीज़ पर इसने क्लोजिंग दी है, और इसका जो हाई प्राइस है वो है 2,389 रुपीज़ के नियर बाय। कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सो पॉसिबिलिटी है कि अपना जो 5 ईयर का जो हाई प्राइस है उसको भी यहाँ पर ब्रेक करके और अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें अपसाइड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि आपको रूट मोबाइल लिमिटेड कंपनी के जो मार्केट में यहाँ पर जो हालांकि जो क्वार्टरली 2 रिजल्ट आए हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।